नमस्कार, फोर साइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। भारतीय नौसेना ने दिखा दिया है कि वो किसी से कम नहीं है। अरब सागर में भारतीय नौसेना का पराक्रम फिर से देखने को मिला है। इंडियन नेवी ने अरब सागर में दो जहाज़ों को लुटेरों से बचा लिया है। इतना ही नहीं, नौसेना ने एक जहाज से 19 पाकिस्तानी और दूसरे ईरानी जहाज से 17 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया है। अपने इस साहसिक कार्य के लिए भारतीय नौसेना को दिल से सलाम। भारतीय नौसेना ने 28 और 29 जनवरी को अरब सागर में दो जहाज़ों को हाईजैक होने से बचाया। जानकारी के मुताबिक नेवी के युद्धपोत INS सुमित्रा ने रविवार को पहले ईरान के जहाज FB आयरन को अपहरण होने से बचाया। इसके बाद अरब सागर में ही स्पेशल ऑपरेशन चलाकर अल नईमी नाम के जहाज को सोमालिया के लुटेरों से बचाया। इस ऑपरेशन में भारत के मरीन कमांडोज ने हिस्सा लिया। INS सुमित्रा ने दूसरे सफल एंटी पायरेसी ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में 19 क्रू मेंबर्स और जहाज को हथियारों से लैस सोमाली समुद्री लुटेरों से बचाया। नौसेना अधिकारियों का कहना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती रोधी अभियानों पर तैनात उसके जहाज सभी नाविकों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ कि भारतीय नौसेना ने सोमाली समुद्री डाकुओं की ओर से निशाना बनाए गए मछली पकड़ने वाले जहाजों को छुड़ाया है। इससे पहले 5 जनवरी को INS चेन्नई ने सोमालिया के तट से एक जहाज के चालक दल को सफलतापूर्वक छुड़ाया और उसमें सवार सभी 15 भारतीय नागरिकों को बचाया था। 15 भारतीय चालक दल के सदस्यों ने मालवाहक जहाज MV लीला नॉरफोक को समुद्री डाकुओं से छुड़ाया था। यह अभियान मरीन कमांडो की ओर से चलाया गया था। फाइनल हाल ही में भारतीय नौसेना ने लगातार होते डाकुओं के हमले में अरब सागर की निगरानी तेज कर दी है। दरअसल इजराइल हमास संघर्ष के बीच लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर होती आतंकवादियों के बढ़ते हमलों के कारण नौसेना ने अपनी सतर्कता बढ़ाई है, जिसके चलते नौसेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए जहाजों को लुटने से बचाया। ताजा तरीन खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोर साइट्स टीवी।